वील स्टार्ट विद द बेसिक प्रोबैबिलिटी टू डे बहुत सिंपल है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बट एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग विच एक्चुअली फॉर्म्स द बेस ऑफ एंटायर यू नो इट्स नॉट ओनली एक्चुअरल साइंस बट एनी वेर यू गो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज ठीक है तो प्रोबैब एम बी ए अगर आप करते हो ना तो उसमें भी इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं जस्ट ऑन प्रोबेबिलिटी जिस टॉपिक ही होता है प्रोबेबिलिटी तो ईजी बट एट द सेम टाइम अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो आगे जाके ऑन इन योर हायर पेपर्स एज वेल ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा इन योर इंटायर जर्नी इफ़ यू आर वर्किंग आपको ये चाहिएगा ठीक है सो एनी डाउट्स फ्राम प्रीवियस क्लास रिवाइज किया प्रीवियस क्लासेस के सारे चीज़ों को हाँ कोई डाउट्स है नहीं ठीक है तुम लोग ने कुछ रिवाइज नहीं किया तो uh, पहले तो समझते हैं कि हम लोग क्या 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 यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ तो एकदम बेसिक हम लोग लेंगे एग्जाम्पल विच इज़ थ्रोइंग ऑफ अ डाइस ठीक है यह हमने बचपन से पढ़ा है हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल वेन यू थ्रो अ डाई

सैम्पल स्पेस क्या हो गया ऑल द पॉसिबल आउटकम जो आप लोगों ने बोला सिक्स तो उसका वर्ड हम देते हैं सैम्पल स्पेस हम उसको ऐसे कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं सो वेन आई राइट एस इसका मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विच आर देर विच कैन हैपन ठीक है वॉट डू यू मीन एन इवेंट इवेंट इज बेसिकली जिसको जिस चीज़ से हमें मतलब है मुझे मतलब है कि सिक्स आए मुझे मतलब है कि वन आए तो किस चीज़ से मुझे मतलब है दैट इज अ इवेंट राइट एंड प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली इट्स जस्ट अ मेजर हाउ लाइकली योर इवेंट इज लाइकली टू हैपन ठीक है हाउ लाइकली इज द इवेंट दैट्स इट दैट्स अ प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग चांस बोलते हैं जिसको हम लोग आप लोग बहुत सारे से डिफरेंट वर्ड्स उसके लिए यूज करते हो सो so, इसको कैसे निकालते हैं फ देर आर सिक्स पॉसिबल आउटकम्स राइट सिक्स पॉसिबल मुझे चाहिए माई इवेंट ऑफ कंसर्न इज कि मेरा सिक्स है तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिक्स तो हम लोग कैसे लिखते देखो प्रोबाबिलिटी के लिए पी कैपिटल पी एंड एक्स इक्वल्स टू सिक्स वॉट डू यू मीन बाई दिस एक्स ये हम लोग ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे दिस एक्स इज नोन एज अ रैंडम वेरिएबल ठीक है वॉट इज अ रैंडम वेरिएबल कोई बता सकता है वॉट इज अ रैंडम वेरिएबल रैंडम का मतलब एनीथिंग कुछ भी आ सकता है रैंडम एनी नंबर एंड वेरिएबल इज समथिंग विच इज नॉट कॉन्स्टेंट राइट दिस इज़ नॉट कॉन्टेंटेड दिस वेरीज तो एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी नंबर एंड दैट एनी नंबर इज बिट विद इन दिस सैम्पल स्पेस एस तो मुझे एनी नंबर मेरा इवेंट है सिक्स तो मैंने इसे लिखा है प्रोबेबिलिटी पी एंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्स इक्वल्स टू सिक्स इसका क्या मतलब है मुझे देखना है वॉट इज द प्रोबैबिलिटी दैट माई रैंडम वेरिएबल सिक्स यहाँ पे हर एक्स आप ही एक्स ले सकते हो कैपिटल y कैपिटल जेड कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं एंड हम इसको डिफाइन करते हैं बेसिकली ये एक्स कैसे डिफाइन होगा इट्स अ नंबर दैट यू गेट वेन यू थ्रो अ डाय दैट्स इट ठीक है दैट्स अ रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कि आपका सिक्स हो इसमें कितने पॉसिबल है खाली एक ही पॉसिबल है सिक्स आउट ऑफ ऑल आउटकम्स एक ही नंबर है सिक्स तो ओनली वन टाइम यू कैन सी दैट यू कैन गेट अ एंड दिस डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स कितने टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स है सो दिस बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी कि आपका वेन यू थ्रू अर डाय यूर गेटिंग सिक्स गॉट इट एक और एग्जाम्पल कर लो लेट्स देर आर एट बॉयज एंड टर्ल्स ठीक है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट वन बॉय कैसे निकालेंगे वॉट आर द डिफरेंट कितने टाइम्स आपको बॉयज मिल सकते हैं एट टाइम्स यहाँ पे वन टाइम था खाली यहाँ पे आपको एट टाइम्स बॉय मिल सकता है एंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी विच इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरस्टूड क्लियर वेरी वेरी बेसिक सो हाउ टू कैलकुलेट अ प्रोबेबिलिटी देखो दिस इज द नोटेशन पी ए नाउ ए इज बेसिकली द इवेंट ए इज बेसिकली द इवेंट जो मैंने एक्स इक्वल टू सिक्स लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हो जहाँ पे आप डिफाइन करोगे कि ए क्या इवेंट है इवेंट ऑफ गेटिंग अ सिक्स इवेंट ऑफ गेटिंग अ बॉय इवेंट ऑफ गेटिंग अ गर्ल ठीक है एंड लेट्स सपोज इफ आई टेल यू ये हो गया प्रोबेबिलिटी अब मैं बोलती हूं कि मुझे चाहिए कि X, 6 नहीं हो तो ये कैसे निकालेंगे वन हां फाइव बाई सिक्स कैसे निकाला आपने पांच हैं जो सिक्स नहीं है डिवाइडेड बाय सिक्स ठीक है तो प्रोबेबिलिटी कि एक्स सिक्स नहीं होगा विच इज वॉट आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकते हैं हमेशा मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो यू डिड फाइव बाई सॉट भी नॉट बी नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है कोई चांस नेगेटिव नहीं हो सकता है ना फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन वेन आई थ्रो अ डाय आप क्या बोलोगे जीरो बाय सिक्स मतलब जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता क्लियर सो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी इट ऑलवेज हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो ठीक है दूसरा अब अगर मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सिक्स तो आपने बोला फाइव बाई स जहां पे सिक्स नहीं आ रहा डिवाइडेड बाई द टोटल इवेंट और वट यू कैन से इज वन माइनस वन बाई सिक्स ये वन माइनस क्यों करें क्योंकि सारे इवेंट्स होनेगा प्रोबेबिलिटी साथ में मिला के हमेशा वन होता है सो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं कि एक मैं बोलती हूं कि एक आपका बॉक्स है जिसमें खाली वन ब्लू बॉल है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू पिकअप वन ब्लू बॉल एक ब्लू बॉल है डिवाइडेड बाय टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल है वन सो यू गेट वन सो व्हेन यू आर सेइंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज वन मतलब ये सर्टेन है ये होगा ही होगा इंसान एक दिन मरेगा ही मरेगा सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मी डाइंग एनी टाइम इन फ्यूचर इज ऑब्वियसली वन करेक्ट है येस और नो तो ये हो गया आपका वन अब यही मैं बोल दू वन ब्लू है एंड वन ब्लैक है So now, probability of getting one blue ball is one by two. Not getting a blue ball is, which is what one minus one by two. Total probability minus probability of getting a blue ball. So you just do that. So this is basically known as complementary events. Complementary events ka kya hai? When you have an event A, the complement of A is not having A. इसको हम लोग यूजली ऐसे भी डिनोट करते हैं ए बार मतलब अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिक्स इज वन बाई सिक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सिक्स इज़ वन बाई सिक्स विच इज देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गोट इट सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या बोलते हैं कॉम्पलीमेंट्री इट्स इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कहीं कहीं पर ये ए डैश ऐसे भी डिनोट किया जाता है गोट इट वेरी सिम्पल एनी डाउट सो फार एनी डाउट नहीं ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे <coughs> तो कैसे के? निकालते हैं हम लोग प्रोवाबिलिटी वेरी सिंपल ऊपर में डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑल्डो नॉट रिक्वायर्ड बट नंबर ऑफ एज एंड इवेंट कैन हैपन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ठीक है ओके um, okay. हम लोग लास्ट में कुछ सम्स करेंगे बट उसके पहले लेट्स कवर फ्यू कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पहले समझते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग मोस्ट ऑफ यू हैव कम्प्लीटेड क्लास ट्वेल्व राइट मान लो आपके आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी अब आप आ रहे हो कॉलेज अब आपकी बन गई नई गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड तो अब आपका बर्थडे है ठीक है दोनों को तो नहीं बुलाओगे कोई एक को बुलाओगे दोनों नहीं आ सकते ना गड़बड़ हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वैन ओनली वन थिंग इज पॉसिबल दोनों नहीं बहुत दोनों नहीं आ सकते मेरे बर्थडे पे कोई एक ही आएगा तो पुराने वाली आएगी नई वाली नया वाला वाली आएगी ठीक है So that is mutually exclusive. Mutually का क्या मतलब होता है साथ में सब साथ मिलजुल के रह रहे हैं। और एक्सक्लूसिव मतलब साथ में नहीं एक्सक्लूडिंग राइट सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो ये सब जो मैं टर्मिनोलॉजी पे फोकस कर रही हूं ना दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज आगे जाके आप लोग ऐसे ही बात करोगे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पलीमेंट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इवेंट आर म्यूचुअली ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप लोग नहीं बोल पाओगे समझा नहीं पाओगे ऐसे तो फॉर एग्जाम्पल वॉट वी इफ वन और अदर कैन अकर वी कॉन्ट हैव बोथ ऑफ द टाइम हैपनिंग टूगेदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया ठीक है कार इंश्योरेंस लिया आप क्या करोगे आप अगर क्लेम कर देते हो अगर आप क्लेम करते हो एक साल में तो आप ऑब्वियसली क्लेम मतलब क्लेम करोगे भी और नहीं भी करोगे तो नहीं हो सकता ना साथ में तो क्लेम इज अराइजिंग फ्रॉम अ पॉलिसी Claim is not arising from a policy cannot happen together. Either claim can arise or claim cannot arise. Either one girlfriend will come or the new girlfriend, old girlfriend, dono nahi aayenge Clear? So that is mutually exclusive. जो हम लोग बोलते हैं कि दोनों event साथ में नहीं हो सकते. When you throw a dice, आपका या तो one आएगा, या तो six आएगा. क्या दोनों साथ में आ सकते हैं? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो जब ये वर्ड सुनो गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो याद हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये सब भूल जाओ मैं आपको बोलती हूँ कि आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालो आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग अ सिक्स एंड गेटिंग अ वन तो कैसे निकालोगे

मतलब मतलब या तो सिक्स आया या फिर वन आया तो प्रोबेबिलिटी की सिक्स आएगा कितना होता है एंड प्रोबेबिलिटी की वन आएगा सो व्हाट आर वी डूइंग वी आर एडिंग टू इवेंट्स सो व्हेन द टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं दिस इज नथिंग बट द एडिशन रूल गॉट इट अंडरस्टूड अब थोड़ा हम लोग ना कुछ हाई फाई ऐसे समझते हैं मतलब लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग सेट थ्योरी सेट थ्योरी आता है आप लोगों को देखो तो मैंने क्या बोला कि एक इवेंट है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि वन आएगा ठीक है एक इवेंट है जिसमें मैं बोल रही हूँ सिक्स आएगा कैन बोथ दीज इवेंट्स हैपन टूगेदर नो इट कैन कैनॉट हैपन तो ये दोनों मिल नहीं सकता राइट तो इन दोनों को ऐड करना होगा तो सिंपली कैसे करेंगे वन बाई सिक्स दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो जब ये ऐड कर रहे हो ना इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनियन जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे कैपिटल यू से तो यहाँ जो मैंने लिखा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स और वन तो इसको हम लोग और भी बोलते हैं क्या बोलते हैं यू कैन ऑल्सो कॉल इट और या तो यू या तो यूनियन या तो और या फिर प्लस साइन एनी वन एनी थिंग तो इसका मतलब आप इन दोनों इवेंट्स को एड कर रहे हो दोनों इवेंट्स को आप एड कर रहे हो एंड विच इज सिंपली सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वेर ए इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ वन बी इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग अ सिक्स तो वॉट आर वी डूइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऑल कैन राइट दिस स्टोन ठीक है ऊपर लिख देना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों ये वाला जो हमने बोला एंड मतलब क्या ये दोनों साथ में पॉसिबल है एंड दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है गेटिंग अ जीरो इसको एंड को कैसे दिखाते हैं हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन या फिर इसको हम लोग उल्टा यू उल्टा यू करके दिखाते हैं इंटरसेक्शन एंड या फिर उल्टा यू आप लिख सकते हो सो हम लोग क्या बोल रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए intersection b is simply a always Chayke? so basically i will say probability of clearing one paper and probability of not clearing one paper are uh, mutually and any I have cleared the paper and not cleared the paper not possible and one more thing. nam probability लिख नहीं रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियोरिंग माई पेपर और नॉट क्लियोरिंग पेपर शुड बी इक्वल टू वन ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन पॉसिबल है है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज एक जो हमने देखा था ना एक ब्लू बॉल एक ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल और अ ब्लैक बॉल वन क्योंकि वही दोनों पॉसिबल है राइट गॉट इट तो उस केस में जहां पे खाली दो इवेंट वेन आई थ्रू अ coin इन प्रोवाइबिलिटी ऑफ गेटिंग अड और प्रोवाइबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स वन क्योंकि वही इवेंट्स पॉसिबल है वन 2 टू प्लस वन बाई टू क्लियर है देख लो एनी डाउट इन दिस अब जैसे म्यूचुअल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना वैसे म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल पहले वाली जो गर्लफ्रेंड थी उसका एक फ्रेंड था वो तुम्हारा भी फ्रेंड बन गया समझ रहे हो रिलेशनशिप स्टेटस पहले जो गर्लफ्रेंड थी वो उसका जो फ्रेंड था वो तुम्हारा भी फ्रेंड बन गया अब जो नई गर्लफ्रेंड है पर वो वाला फ्रेंड तुम्हारा है अभी भी तो अब तुम्हारे बर्थडे पे क्या होगा कि दो, दोनों में से कोई एक ही गर्लफ्रेंड आएगी बट वो फ्रेंड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है है ना इसीलिए अब इजी लैंग्वेज में समझते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू वॉट इज द चांस ऑफ लेट्स सपोज गेटिंग अ नंबर विच इज इवन नंबर वेन यू थ्रू अ डाइस इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं टू फोर एंड सिक्स सबको विजिबल है बोर्ड टू फोर एंड सिक्स की इवन नंबर है वट इज क्या पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग समथिंग विच इज ग्रेटर देन फोर, फाइव एंड सिक्स। तो ये दो इवेंट्स है इवेंट ए एंड इवेंट बी इवेंट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाय बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर व्हेन यू थ्रो अ डाय ऑल राइट अब मैं बोलूंगी फाइंड आउट वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर और एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन फोर तो यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा था थ्री बाई सिक्स यहां आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा था तो आप क्या करोगे आप इसको अगर एड कर दोगे तो क्या आएगा फाइव बाई सिक्स आएगा बट ये वाला क्या है इवन और ग्रेटर देन फोर अगर मैं बोल रही हूं एंड एंड तो इवन में क्या है टू फोर ये वाला पेन विजिबल है टू फोर सिक्स एंड फाइव ये वाला सिक्स नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं है दो बार क्यों लिखेंगे हम लोग सेम चीज इफ आई एम सेइंग इवन चलो एक इवेंट सी ले लेते हैं कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक बार उसको हटा देती हूँ रुको ठीक है अब देखो अब कंफ्यूजन नहीं होगा एक इवेंट सी है जहां पे हम बोल रहे हैं इवेन होगा एंड ग्रेटर देन फोर होगा ठीक है इवेन होगा एंड नहीं लेते एंड लेने से गलत हो जाएगा और लेते हैं और इवेन और ग्रेटर देन फोर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है टू फोर फाइव ग्रेटर देन फोर है इवन नहीं है बट ग्रेटर देन है मैंने और लिखा है ठीक है एनी वन एंड और कोई नंबर पॉसिबल दिख रहा है इवन कवर कवर हो हो गया greater than 4 भी cover हो गया ग्रेटर देन ठीक है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है फोर बाय सिक्स आ रहा है बट अगर मैं वही चीज बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब इवन नंबर और नंबर विच इज ग्रेटर देन या इवेंट नंबर प्लस अ नंबर ग्रेटर देन तो आप लोग क्या बोलोगे इन दोनों को ऐड कर दोगे थ्री प्लस सिक्स बाय प्लस टू बाय सिक्स क्या आ सो दिस इज नॉट मैचिंग दिस दिस इज नॉट मैचिंग दिस राइट तो ये गलत तरीका हो जाएगा करने का फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को कैसे डिफाइन करते हैं तो मैं अगर बोलू कि ये हमारा है ए विच इज इवेंट नंबर तो इसमें क्या क्या आ गया टू आ गया फोर आ गया सिक्स आ गया सिमिलरली मैं एक बोल रही हूं बी विच इज ग्रेटर देन फोर उसमें आ गया हमारा फाइव एंड सिक्स अब सिक्स दोनों में कॉमन है सेम है तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ अलग हुआ इवेंट्स अलग हुआ अलग नहीं हुआ ना सेम एक दिख रहा है कॉमन एक कॉमन चीज दिख रहा है बीच में तो अलग कैसे हो गया ये अलग नहीं हुआ तो इसको कैसे बनाएंगे देखो इसको हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे इसको हम लोग ये हो गया यहाँ एक इंटरसेक्शन करके ये हो जाएगा आपका फाइव एंड बीच में हो जाएगा आपका सिक्स तो अभी सिक्स क्या है दोनों सर्कल्स में आ रहा है यस और नो ये सिक्स आपके दोनों सर्कल्स में आ रहा है तो अब आपके टोटल कितने इवेंट्स दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फोर ऑप्शंस दिख रहे हैं फोर आउटकम्स दिख रहे हैं मेरा इवेंट ए है जहां पे मैंने बोला इवेंट नंबर मेरा इवेंट बी है जहां मैंने बोला ग्रेटर देन फोर उसमें कितने आउटकम्स पॉसिबल है दोनों इवेंट मिला के फोर आउटकम्स पॉसिबल है ना तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए फोर बाय सिक्स होना चाहिए यस और नो अभी हम लोग मैथमेटिकली अगर फॉर्मूला निकाले ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि ऐड करने से फाइव बाई सिक्स आ रहा है विच इज रॉन्ग तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और के जगह प्लस भी लिख सकते हैं या यूनियन भी लिख सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज थ्री बाई सिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज टू बाई सिक्स माइनस एक हम लोग को क्यों क्योंकि यहाँ पे भी सिक्स आ गया था यहाँ पे भी सिक्स आ गया था मुझे खाली एक ही सिक्स चाहिए तो एक सिक्स माइनस करना पड़ेगा एक ये इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में आ रहा है ये दो बार काउंट हो रहा है जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काउंट कर रहे हो देखो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए काउंट कर रहे हो तो आपका ये पूरा काउंट हो रहा है ये पूरा रीजन आ रहा है जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी काउंट कर रहे हो तब आपका कौन सा रीजन आ रहा है ये वाला रीजन पूरा आ रहा है तो सिक्स वाला रीजन दो बार आ रहा है ना तो एक बार तो सिक्स को हटाना होगा तो इसीलिए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या होता है एंड एंड जो दोनों में आ रहा है हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या किया था प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी क्या होता है जीरो होता है बट इस केस में जीरो नहीं इस केस में देर इज वन इंटरसेक्शन एंड वॉट इज दैट इंटरसेक्शन एक नंबर है आउट ऑफ माई सैंपल स्पेस ऑफ सिक्स खाली एक ही नंबर है जो बीच में है तो इसका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी वन बाय एक ही नंबर कॉमन आ रहा है ना सिक्स ही कॉमन है ना वन बाय सिक्स हुआ ना इंटरसेक्शन बी यस और नो ए एंड बी में एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है दोनों में तो वन बाय सिक्स हुआ ना इट यस और नो कैसे निकाला प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी कि वो आउटकम कितने बार आ रहे हैं एक बार आउट ऑफ द इंटायर टोटल आउटकम विच इज सिक्स गॉट गॉट इट ठीक है ये वाला लिख लो तो अब आप लोग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अब देखो थ्री बाई सिक्स प्लस टू बाई सिक्स माइनस वन बाई सिक्स गिवस यू विच इज टू फोर सिक्स एंड फाइव कर लो ये मेरे नोट्स में नहीं है एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क है Just give me a second.